हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो सुशील कोला ब्लॉग्स। भाई ऐसा है, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं अभी 5, सुबह के 5 बज रहे हैं। भाई मैं एक नई जर्नी में आपका स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है। एक नई जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई है। अराउंड यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, तो अपनी पहले की तरह बाइक रेडी है, देख रहे हो, और पीछे मेरे बैग बंधा हुआ है। तो भाई अभी स्टार्ट की है 5 बजे, और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। और जैसे जैसे मैं हॉल्ट लूँगा वैसे वैसे मैं ब्लॉग रखूँगा अपना कंटिन्यू। तो भाई अभी चलते हैं, और इस वीडियो के साथ बने रहना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ आज, मेरे को मतलब आज तो नहीं, इसी ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि दिन हमारे पास कम होते हैं और उत्तराखंड बहुत बड़ा है भाई। तो भाई अभी चलते हैं, लेट नहीं करते, क्योंकि जितना मैं लेट करूँगा उतना ही मैं लेट वहाँ पहुँचूँगा, मेरे को चेक इन भी करना है वहाँ पर। तो भाई मिलते हैं आगे की साइड, ठीक है, चलो। भैया क्या हाल है यार, जब से ये कटिंग कराई है ना तब से सारे लोग कटप्पा टप्पा कह रहे हैं मेरे को। देखो हैंकी मारने से निशान आ गया यहाँ पे ना भाई। सेटअप करने के लिए रुका था और कैमरा सेटअप मैंने कर ही दिया, क्योंकि नज़ारे शुरू हो गए हैं यहाँ से। अभी टाइम मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं। भैया टाइम कितना हो रहा है? 11:22 भाई, 11:22 हो रहे हैं, और सुबह 5 बजे निकला पड़ा हूँ। वो अपने घर के उधर ना एक रिंग रोड पे कार और ट्रक का ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लंबा ट्रैफिक लगा था। वो तो मैं रॉन्ग साइड से इधर उधर अंधेरे में निकाल निकल के पार्किंग से टपाट हो के ले आया, और देख रहा हूँ अपनी बाइक। तो बाइक दोबारा से सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई मेरी, तो बहुत अच्छे व्यूज़ पे बैठा था, देख रहे हो पॉइंट। तो मैं सोचा एक भुट्टा आ जाए भाई, ने गुट्टा तैयार कर दिया, देखो सॉफ्ट है भाई। हाँ, मसाला साला नींबू वो पेल दिया दिल्ली की लैंग्वेज है यार, क्या करें। तो भाई अभी अब गुट्टा एंजॉय करते हैं, और यहाँ से नैनीताल रह गया अपना 30 किलोमीटर, और जहाँ पे मुझे जाना है कैंची धाम वो रह गया 50 किलोमीटर। अराउंड 2 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने कैमरा माउंट कर लिया है। सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो अब स्टार्ट कर दिया है। तो भाई यहाँ से नज़ारे शुरू होते हैं, तो ब्लॉग के साथ बने रहना। ये वाली कैंची धाम मतलब उत्तराखंड की ये वाली नई सीरीज़ आ रही है मेरी, तो 3 दिन का ट्रिप है मेरा, और आगे पीछे ध्यान रखना पड़ रहा भाई, बंदर भी आ सकते हैं। तभी फ़ोन से कर रहा हूँ, देख रहे यार कितनी बढ़िया शानदार जगह बैठ के मैं भुट्टा खा रहा हूँ भुट्टा। तो भाई अभी खाते हैं, कपड़े भी गंदे हो गए यार, सारी दुनिया भर के हमारे देश की सारी मिट्टी मेरे ऊपर ही लगी पड़ी है। तीन इधर एक बंदे की जगह नहीं है पीछे बैठने की, देख रहा हूँ भाई। ठंडा हालत हूँ बड़ा, वो भी ठंडा हो रहा है, और बंदर का भरोसा नहीं है कभी वो भी मेरे साथ पार्टी में एंजॉय कर ले। भाई अकेले का ये फायदा होता है, देख रहा हूँ पूरा भुट्टा मेरा है। एक चीज़ और भाई, दिल्ली में ऐसा भुट्टा नहीं मिलता, मैंने तो कभी नहीं खाया। दाने ऐसे हैं बिल्कुल सॉफ्ट, कट मारते आ रहे हैं, और अपने उधर जो मिलता ना इतना हार्ड मिलता है, इतना हार्ड मिलता है कि भाई साहब आधे में ही पेट भर जाता है। इसमें तो मेरा मन कर रहा है एक और ले लूँ, लेकिन भाई इतना ही बोलता है बस। एक चीज़ दिखा रहा था, भाई ऐसा है सेटअप कर लिया है, भुट्टा खा लिया है प्रॉपर तरीके से, एक दाना नहीं छोड़ा, ठीक है। और मैंने कैमरा माउंट इसलिए कर लिया क्योंकि भाई अब आपको पता ही है पूरा बैकअप लेके चलता हूँ। ये रहा एक बैकअप, मैप लगा रखा है, 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा, 54 किलोमीटर है, और 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और ये सुबह पता कितने बजे दिखा रहा था? 11:30 बजे मतलब दिखा रहा था अराइवल टाइम, तो रुकते रुकाते ये बढ़ गया। तो भाई चढ़ाई है, अब क्या करें, चढ़ाई में तो भाई टाइम तो लगेगा ही, तो धीरे धीरे ही चलना भाई, कोई तेज़ नहीं है। और मैं थोड़ा सा इसलिए भी हो गया कि भाई साथ में ही ना इधर की साइड जिम कॉर्बेट है,
तो ओपन है वो, मैं कभी गया नहीं, भाई बता रहा था कि ओपन है वहाँ पे, कभी भी शेर वेर आ जाता है। और अभी दो तीन दिन पहले किसी शेर को ले, शेर मतलब शेर आया था, दो तीन बंदों को खा गया, पता नहीं क्या कर गया। तो फिर उसको जंगल वालों ने मार दिया, अब उसके बच्चे घूम रहे हैं। तो भाई हमें तो बच्चे से भी डर लगता है, ये मैं सोचा बच्चे हैं तो कुछ नहीं कहेंगे। तो फाइनली हमारी यहाँ से हिल स्टार्ट हो गई है, तो फोकस करते हुए निकालेंगे आराम आराम से, इसी चीज़ का तो इंतजार रहता है। मैंने लगभग अभी तक दो रेस्ट लिए, एक चाय के लिए लिया था जो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि यार वहाँ धूप हो रही थी, वहाँ बैठे बैठे ही मैं पागल हो गया था, ठीक है। और एक यहाँ पे लिया है, मैंने सोचा यहाँ पे एक रेस्ट भी हो जाएगा, एक गुट्टा भी इंजॉय हो जाएगा। तो भाई साहब देख रहे हो व्यू, देख रहे हो भाई जबरदस्त, ये आगे वाला नहीं, ये साइड वाला नैनीताल। चलो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड का पंगा है, ये देख रहे हो यार मजा ही आ रहा था भाई। अब अपने पास 3 दिन है सोलो रहने के लिए, अब नहीं जाऊँगा। पहले ऋषिकेश गया था भाई, मैं बोर हो गया गंदी तरीके से, देख रहे हो भाई कितने तगड़ा कर्व है यार। यहाँ पे बाइक ने वैसे भी तीसरे पे चलना, ओ यार यहाँ तो बारिश होगी, बारिश हो जाएगी तो फिर अंदर करना पड़ना है, ओए रेनकोट काम आएगा मेरा भाई। ओ भाई ऐसा लग रहा आसमान में आके देखो, बस जितना टाइम लगना ये पहाड़ों पे लगना वो सब, क्योंकि पहले तो सीधा सीधा रास्ता था तो भगाते हुए ले आए थे, अब यहाँ पे यही 40-50 चलेगी, वो भी चलेगी तो चलेगी, नहीं तो जयराम जी की। ये देखो कितना छोटा रास्ता यार, ओ भाई बारिश तेज होगी यार, मेरे को लग रहा कैमरा अभी लगाया और अभी मेरे को कैमरा हटाना पड़ेगा दोबारा से। ओ भाई तेज हो गई बारिश, तेज हो गई। भाई कैमरा अंदर रख लेता हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं, यहाँ पर बारिश तेज हो गई है, ठीक है। तो भाई फाइनली फाइनली हम अपने होटल पहुँच गए हैं, और मतलब मैं अपने होटल पहुँच गया हूँ, और भाई लाइट नहीं आ रही, भाई कह रहा है 5-10 मिनट के लिए जाती है और फिर आ जाती है। तो अभी भाई पता क्या, रास्ते में लैंडस्लाइड मिला, सुबह 5 बजे बाइक चलानी शुरू करी थी और पहुंचा मैं अभी 2 बजे पहुंचा, लगा लो इसका। तो भाई रूम इस तरीके का है, अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। और आपको ये दिख रहा होगा अंधेरे में एक कटप्पा, ठीक है। और मेन चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, कहोगे नंबर वन कहोगे नंबर वन, क्यों भाई ठंड हो रही है जबरदस्त। और क्यों मैं आपको दिखाने वाला ना, है कुछ है बातचीत, अब तुम्हारा भाई ऐसी जगह प्रॉपर्टी सेलेक्ट करता है ना, मजे आ जाता है। देखो धुंधी धुंध हो रही है ऊपर, धुंधी धुंध, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही यार अभी, देख लो अभी क्या, मैंने थोड़ा सा मेनू मंगाया, देखता हूँ यहाँ का क्या आइटम है। नीचे एक रेस्टोरेंट है और मेरी बाइक पता वहाँ पार्क है, देखो नीचे दिखेगी नहीं यहाँ से, अभी थोड़ी आवाज भी कम निकल रही होगी मेरी। और भाई मौसम, ये हमारा 8 नंबर, सामान सारा मैंने फैला दिया उसके अंदर, और कपड़े थोड़े बहुत गीले हो चुके हैं क्योंकि ना रेनकोट पहना था, हल्के फुल्के गीले हुए क्योंकि बारिश तेज थी और ठंड भी तेज है भाई। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी हल्की फुल्की हो रही है बारिश, ठीक है अंदर ही रहना है, आज आराम करूँगा, नहीं तो अगर मौसम अच्छा हो गया तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो अंदर ही रहेंगे। आज हीटर मंगाया मैंने, अभी आता सीखूंगा थोड़े से, मेरे ओमटे कट हो रहे ठंड के मारे, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही भाई। सबसे बढ़िया मेरे को व्यू लगा है मस्त वाला,
चलते हैं, थोड़ा सा आराम करता हूँ अभी, तो और जब बाहर निकलेंगे तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। रहना अकेले ही है, व्यू इंजॉय करता हूँ, फिर उसके बाद जब थोड़ी देर में आपसे मिलूँगा। तो भाई ऐसा है, मैं तो सो गया था भाई, ठीक है, सारे कपड़े सवा दिए थे, तो क्योंकि बैग बैग गीला हो गया था, बाकी जो अंदर के कपड़े वपड़े थे सब, मतलब वो तो बचे हुए थे, और जो पहन रखे थे वो गीले हो गए, पैंट गीली थी, टी शर्ट गीली थी। वो देखो भाई, हीटर मंगा लिया मैंने, ताकि हीटर पे क्या हो रहा, गर्माहट आ रही है भाई, यहाँ पे ठंड हो रही है। फ़ोन कवर सब कुछ गीला हो गया था, फ़ोन के कैमरे के अंदर पानी चला गया यार। ये रात को मोटिन लगा लेंगे हम, नाश्ता मैंने वहाँ रख दिया है, और ये देखो दो सब बंदे दोनों ही ओढ़ के सो गया। पर यार बाहर का कुछ ना भाई, कहाँ से सौदा तो अच्छा दिख रहा है, दिखाता हूँ यार, बाहर बंदर है यार, कभी बंदर ना मेरा कैमरा लेके मैं चला जाऊँ, कभी बोले कि यार तो क्या लेके आया खाने के लिए। ओ भाई देख लो, पूरा अंधेरा और फोग ही फोग है जी भाई। सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल, देख रहे हो सुबह का मौसम, और भाई आज तो मौसम खुला हुआ लग रहा है, बस ये काले बात लोड चला है, शरारती तत्व है यार ये कभी भी बरस जाते हैं यहाँ पे। और व्यू देख रहे हो यार सॉलिड। और भाई मैं तो नहाया नहीं हूँ अभी, अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकलते हैं फिर अभी हाजीन वादियों में, पहाड़ों में घूमेंगे थोड़ा सा। और मैं सोच रहा हूँ ना, जितना घूम सकते घूमते हैं, फिर शाम के टाइम देखते हैं घर की तरफ निकलेंगे। हो गया वो आप इंजॉय करो, देख रहे हो क्या जबरदस्त लग रहा है यार व्यू। ये आपका नैनीताल से 10-12 किलोमीटर ऊपर है थोड़ा सा, और अच्छी जगह है यार, होटल वगैरह भी अच्छा मिलता है यहाँ, बहुत शांति है भाई। ऊपर की साइड एक रूफ है, ठीक है, रूफ टॉप मस्त वाला, ठीक है, तो ये कपड़े वपड़े धोने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, कपड़े धो सकते हो आप, बंदर उंदर तो नहीं आ रहा। तो झूला वूला लगाओ भाई, झूला जी से झूला हूँ, अभी तो गीला बड़ा सारा, इसलिए चुल्ल बेकार रहा है, लेकिन यार मैं तो व्यू देख के पूरा दिन निकाल सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, इतनी शांति हो रही है कि मेरे को लग रहा है मैं ही बहुत तेज बोल रहा हूँ। चले सामान वामान सब समेट लूँगा, भूलने की आदत लगी है, कभी सामान ही भूल जाऊँ कुछ। तो भाई साहब बहुत बढ़िया जगह लग रही है, ठीक है, अगली बार कुछ अगला प्लान करेंगे, पहाड़ों को छोड़ के थोड़ा सा। बादल आ रहे हैं क्या भाई, इससे पहले बारिश शुरू ना हो जाए, हम मतलब मैं रेडी होता हूँ और निकलते हैं जिस काम के लिए आए थे, ठीक है, चलो।